गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कम बैक टू माय यूट्यूब चैनल के राइडर किरण और एक और नए तगड़े से ब्लॉग के साथ आ चुके हैं। और फाइनली हमारी राइड निकल चुकी है के लिए लोधी गार्डन। फाइनली मिलते हैं लोधी गार्डन के पास। भाई पहुंच गए भाई, आज लोधी गार्डन, फाइनली लोधी गार्डन हमारा आ चुका है। फर्स्ट नंबर एंट्री गेट और इसके अंदर प्रवेश कर रहे। चलो यहाँ पे चलने के लिए कितना सुंदर नज़ारा बना रखा है। आज हम लोधी गार्डन को पूरा एक्सप्लोर करेंगे कि भाई कैसे कैसे यहाँ पे क्या होता है क्या नहीं होता है। यूट्यूब पे इतनी सारी फेक वीडियोस बना रखी है। लोधी गार्डन इतना अच्छा पार्क है। आइए चलते हैं अंदर की और चलो करते हैं पूरे से एक्सप्लोर। नेशनल मोशन पार्क है। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि भाई पेड़ पौधों को ना जलाएं, यहाँ पे सावधान इन चीज़ों से ना जुर्माना दे लेना पड़ेगा। ये लोधी गार्डन का पूरा मैप दे रखा है कि वो कितने एकड़ में यहाँ पे, ये 19 एकड़ में फैला हुआ है। यहाँ इसके अंदर कितने सारे टॉम हैं और देख सकते हैं आप 1, 2, 3 और ये 4। यहाँ पर देख सकते हैं इतने सारे बटरफ्लाई है। और लोधी गार्डन अंदर जाने का भी रास्ता देखते अंदर चल के क्या क्या है इसके। यहाँ पे छोटे बच्चों के लिए खेलने वेलने के लिए झूले वगैरह बना रखे हैं पीछे की साइड, तो वजह इसके अंदर तो यही है। अब सीधा चलते हैं अंदर की साइड, आगे की तरफ जाके देखते हैं क्या क्या है उसके अंदर। एंट्री गेट से सीधा अंदर घुसोगे वैसे ही सामने एक गेट ट्यूब है, देखते हैं कितना सुंदर नज़ारा है। ये साइड में देखो कितने बड़े बड़े पेड़ हैं, ये काफ़ी सुंदर लग रहा है। पूरा ट्यूब वगैरह है इसके अंदर, चल रहे आप सीखते हैं इसके अंदर। ये यहाँ से एंट्री गेट है इसका, ये ट्यूब वो दिख रहा था यहाँ से, ये पूरा इसका एंट्री गेट है। अंदर देख सकते हो पूरा फोटो खींच रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पे कितने सारे लोग फोटोशूट वगैरह कर रहे हैं, यहाँ पे कितना सुंदर नज़ारा है ये। अभी हम सबसे बड़ी गुंबद में घूम के आए, ये पूरी इसकी हिस्ट्री लिख रख के आराम से पढ़ लेना। दिल्ली की खूबसूरत जगहों में से एक माना जाता है लोधी गार्डन को। काफ़ी साल पुराना है, इसके बावजूद ये काफ़ी सुंदर है, इसका ये नज़ारा काफ़ी सुंदर है। पार्क के चार तरफ से ऐसे पूरा पार्क है एरिया। बड़ी गुम्बद के ठीक सामने एक ये शीशा खां की गुम्बद है और इसके अंदर चल के देखते हैं। यहाँ पे पूरा हिस्ट्री लिख रखी है हिंदी इंग्लिश में और ये इसका मैप है। जितना बड़ा पार्क है जितना सुंदर नज़ारा है यहाँ का, और इतनी ही साफ सुथरा है यहाँ पर हर जगह, साफ सुथरा हरियाली से भरा हुआ है पूरा। फाइनली हम लोधी गार्डन पहुंच चुके थे और ये लोधी गार्डन के अंदर पूरा प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ पे तो कुछ इतने पूरा चात्रा पार्क वगैरह है। ये यहाँ का नज़ारा तो काफ़ी सुंदर है, मगर इसके अंदर देखते हो यहाँ पे क्योंकि कपल पार्क है। ये जो मेरे सामने आप देख रहे हैं दीवार, ये सिकंदर जी की कब्र है, जो बिल्कुल कहा जाता है कि सिकंदर जी के यहाँ पे घोड़े बांधा करते थे यहाँ पे अपने। भाई ये सामने साफ साफ सावधानी लिखी हुई है यहाँ पे, भाई किसी कब्र को नष्ट पहुँचाना कानूनी अपराध है। कितना सुंदर नज़ारा है ये। ये जो मेरे सामने आप देख रहे हैं सिकंदर जी की कब्र है और ये सामने गार्डन दे रखा और ये यहाँ पे देखिए कितना सुंदर फूल है और ये पुरारा गार्डन है। और यहाँ पे साफ साफ लिखा भाई सफाई में अपना पूरा सहयोग दे। और आवाज़ें कितनी सुंदर सुंदर आ रही है यहाँ पर साइडों में से। गाइज ये फूल देखो कितने सुंदर लग रहे हैं, वाइट और साइड चलने का रास्ता है। ये सिकंदर जी का पूरा ट्यूब है, अभी फिलहाल इसे पूरी तरफ से चारों तरफ से बंद कर रखा है। हम चलो बाहर की तरफ दिखाता हूँ मैं आपको बाहर से नज़ारा और इसके चलते सिकंदर जी के बाहर। चार तरफ जंगल जंगल है, पूरे तरफ ग्रीनरी हरियाली बड़े सुंदर थी। मेरे ख्याल से वो जो फुहारा दिख रहा है वो आपको पीछे को फुहारा बंद कर दिया और जिस टाइम मैं आया था तो ये फुहारा चल रहा था। यहाँ पे देखो कितने सारे बत्तख है, जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे देखो भाई कितना सुंदर लग रहा है, पेड़ों के ऊपर से बना रखा है, लंबे लंबे पेड़ है। साफ साफ नोटिस लगा भाई फ्लावर पर तोड़ना सख्त मना। और यहाँ पे कितने सुंदर सुंदर फ्लावर्स है, ये देखो कितने सारे, तो छोटी छोटी कितनी छोटी छोटी मछलियाँ। मैं भाई कितने घने से घने जंगल में गए, देखो यहाँ पे कितना घना जंगल है। मतलब भाई पार्क के अंदर वैसे मैंने सोचा कि अंदर जा जाके देखता हूँ कि कहीं पे कपल बैठे हो, मगर ऐसा मेरे को खास लगा नहीं।
मगर ये फेमस कपल पार्क के नाम से ही है क्योंकि ये बहुत बड़ा गार्डन है यहाँ पे बैमर। और मैं आपको बता रहा हूँ इसके अंदर एंट्री करने की कोई फीस नहीं लगती है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये लोधी गार्डन आने के लिए इसके नियर जोर बाग है और वहाँ से आपको 5 मिनट का रास्ता लगेगा, वहाँ से आप पैदल चल के आ सकते हैं और गेट नंबर आप 9 पे पहुँचोगे। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये दूसरा एंट्री गेट है और यहाँ पे इसके देखो वहाँ पे कोने पे लिखा है लोधी, लोधी भाई यहाँ से अंदर घुसने। वहाँ देखो कितना सुंदर दिल बना हुआ और यहाँ पे इसलिए दिल्ली का इसे गार्डन को दिल्ली का हार्ट कहा जाता है। फुहारा मेरे ख्याल से अभी बंद हुआ हुआ है, ये बंद है पूरा। जब इस हार्ट पे फ्लावर्स आते होंगे तो कितना सुंदर लगता होगा ये, और इसके सामने कितना सुंदर है और ये कितना सुंदर गार्डन बना रखा है यहाँ पे छोटे छोटा। भाई ये सुबह 5-6 बजे खुल जाता है, यहाँ पे लोग मॉर्निंग में आके वर्जिश वगैरह करते हैं, दौड़ वगैरह लगाते हैं। देखो सामने दौड़ लगा रहे हैं लोग, हर लोग वक्त जॉगिंग करते हैं। और ये देखो कुछ दाना वाना डाल रहे हैं, पक्षियों को दाना डाल रहे हैं। तो काफ़ी बड़ा ये, मगर फूल भी बड़े सुंदर सुंदर है यहाँ पे, काफ़ी सुंदर सुंदर फूल है पूरे। यहाँ से वैसे तो नीचे से मेरे रन करने का, मगर यहाँ से ये ऊपर से चट के भी जाने का भी। यहाँ पे देखो छोटी सी बच्ची कौओ को डाला डाल रही है यहाँ पे, कितना सुंदर लग रहा है ये। काफ़ी घूम लिया और काफ़ी मज़ा आया यहाँ इस पार्क में, के काफ़ी सुंदर पार्क है। और चलो मिलते हैं अपनी बाइक के ऊपर। तो लोधी गार्डन घूम के आज काफ़ी मज़ा आया हमें। और गाइस ब्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा हो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, अपने भाई को सपोर्ट करें, अपने भाई के ऊपर ऐसे प्यार बनाए रखना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में तगड़े से ब्लॉग के साथ, अभी के लिए गुड बाय।